आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री तेजपाल सिंह नागर जी, श्री पंकज सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्रीमती बिमला सोलंकी जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके नेता आदरणीय मोदी जी का स्वागत करने के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति को इस पुरातात्विक संस्थान को समर्पित करने जा रहे हैं, बुलंदशहर, अलीगढ़ और नोएडा इन जनपदों के मध्य में एक सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट की स्थापना की आधारशिला रख रहे हैं और इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मेट्रो के एक्सटेंशन के कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने यशस्वी नेता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि कल भी प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 55,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को सौंपी हैं। आप अनुमान करिए कि 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली को मेरठ के साथ, रैपिड रेल के साथ जोड़ना, मेट्रो के उन कार्यों को, आगरा मेट्रो का हो, कानपुर मेट्रो का हो, लखनऊ मेट्रो का हो, गाजियाबाद मेट्रो का है और आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इस मेट्रो कार्य के एक्सटेंशन का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, एनसीआर क्षेत्र को न केवल बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था देना, भी तो प्रदूषण से मुक्त करने की कार्रवाई पिछली सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव और एक आम जन की सुविधा और उस सुविधा के अनुसार हम अपनी ओर से पहल कर सकें, इसका अभाव था। उनके लिए कार्य नामुमकिन था, लेकिन नामुमकिन को इन प्रोजेक्ट के माध्यम से मुमकिन बनाने का कार्य किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसलिए मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोक कल्याणकारी योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पिछली सदी के पांचवें और छठे दशक में अंत्योदय की बात की थी और अंत्योदय की ये बात समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की सुविधा और समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक बेहतर पहल थी। उस बेहतर पहल में एक गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, उसके पास अपने स्वयं की आवश्यकता के लिए स्वच्छ भारत मिशन में आज एक एक शौचालय प्रत्येक गरीब को उपलब्ध कराने की जो कार्रवाई युद्ध स्तर पर हुई है, एक गरीब के पास अपना विद्युत का कनेक्शन हो, एक गरीब के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, एक किसान को अपने बीज और खाद को खरीदने के लिए जरूरत पड़ने पर धन की व्यवस्था हो, एक गरीब को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके और एक मजदूर को, एक असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को अपने बुढ़ापे का सहारा, उसकी पेंशन प्राप्त हो सके, पिछली सरकारों के लिए सारे के सारे कार्य नामुमकिन थे, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, क्योंकि
मोदी हैं तो ये नामुमकिन मुमकिन इसलिए बना क्योंकि हमारे पास एक यशस्वी नेता, एक दूरदृष्टितापूर्ण नेता और जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जाति, मत और मजहब की राजनीति को समाप्त करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को योजनाओं के साथ जोड़ने, उनके जीवन स्तर को उठाने का जो बेहतर पहल की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने की इससे बेहतर पहल दूसरी नहीं हो सकती है। और इसलिए मैं आज नोएडा की इस धरती पर, इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब उत्तर प्रदेश के वासी हैं। आप सब जानते हैं आज से लगभग डेढ़ वर्ष पहले, पौने दो वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 5 जनपदों में बिजली मिलती थी, 70 जनपद विद्युत से वंचित थे। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर गरीब के घर में बिजली देने और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम लोग 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कर पा रहे हैं, इसके पीछे प्रेरणा भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए जो कार्य नामुमकिन था, उस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए जो नामुमकिन था, आज नामुमकिन मुमकिन बना है, क्योंकि आज नामुमकिन मुमकिन बना है क्योंकि मोदी हैं तो, मोदी हैं तो, मोदी हैं तो। और भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा, मुझे लगता है आज इस देश का हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति कर रहा है। इस बात को लेकर के 3 घटनाएं, पूर्वोत्तर के राज्यों में कभी अलगाववाद चरम पर था, एक ही सर्जिकल स्ट्राइक ने पूर्वोत्तर के सभी आतंकियों को एक साथ नेस्तनाबूत कर दिया। दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और तीसरे एयर स्ट्राइक ने दुनिया के अंदर पाकिस्तान को ऐसा चित किया कि आज वह भीख मांगते हुए फिर रहा है लेकिन उसको कहीं जगह में नहीं मिल पा रही है। यह है नेतृत्व, इसको कहते हैं नेतृत्व। यह है जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। और मित्रों, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम ही है मोदी। और हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए अपने यशस्वी नेतृत्व पर कि आज एक साथ इतने प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नोएडा वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेश शर्मा जी को, श्री आरके सिंह जी को और भारत सरकार को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये सारे के सारे कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जहां आगे बढ़ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ पूरे देश के अंदर एक नया जोश आया है, एक नया उत्साह आया है, एक नया विश्वास जगा है कि भारत लोक कल्याणकारी योजनाओं में भी बिना भेदभाव के हर गरीब के द्वार तक शासन की योजनाएं पहुंचेंगी, बिना भेदभाव के पहुंचेंगी। और साथ ही साथ यह भी विश्वास जागृत हुआ है कि बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट भी अब हम सबके लिए असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कल दिल्ली मेरठ के बीच में जो रैपिड रेल की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है, उसका कीमत आप जानते हैं कितनी है? 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट।
एक ही दिन में प्रधानमंत्री जी ने रखा, क्योंकि जनता की सहूलियत के लिए बड़ी से बड़ी परियोजनाएं एक साथ चलनी चाहिए। और कल उत्तर प्रदेश वासियों को 55,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल और मेट्रो की परियोजना प्रधानमंत्री जी ने समर्पित की है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट आज संभव हो पा रहे हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का कार्य हो पा रहा है। और हम सब आज भारत के अंदर विश्वास जिस तेज के साथ भरा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जिस तेजस्वी नेतृत्व ने इस देश को नए जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, हमारा युवा जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इन सभी युवाओं की ओर से भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं एक बार पुनः आप सबसे कहूंगा, जो हमें शासन की योजनाओं का लाभ दिला सके, जो ईमानदारी के साथ हमारा विकास करा सके और जो ईमानदारी के साथ इस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ प्रताप प्रदान कर सके, हमें ऐसे यशस्वी नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और भारत की 130 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करती है। और इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, आप सब मेरे साथ कहेंगे, मैं कहूंगा, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। आज ना जो नामुमकिन था वो मुमकिन हुआ, क्योंकि मोदी हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत धन्यवाद। और अब माननीय प्रधानमंत्री नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर खड़ी मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का संकेत करें। यह मेट्रो विस्तार 6.8 किलोमीटर लंबा है और इसका इंतजार नोएडा वासी बहुत दिनों से कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप कृपया 1320 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट खुर्जा की बटन दबाकर आधारशिला रखें। इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश को 60% बिजली प्राप्त होगी और शेष बिजली दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को प्राप्त होगी। इससे खुर्जा, बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार को अवसर भी मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अब आप कृपया 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करें। शिलान्यास वीडियो लिंक से होगा। बक्सर में उपस्थित हैं केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री राजकुमार सिंह और सीएमडी एसजेवीएन श्री नंदलाल शर्मा। आगे के लोगों से निवेदन है, आप कृपया बैठ जाएं ताकि पीछे के लोग भी देख सकें कि मंच पर क्या हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से बिहार में 85% की बिजली आपूर्ति होगी और ग्रामीण युवक के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा बिहार में बहुआयामी विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री सदैव राष्ट्र के विकास और आम जन के हितों के लिए संकल्पबद्ध हैं। आर्थिक विकास और वृहद आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं
जिसे सबने सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप कृपया आशीर्वचन दें। मेरी बात प्रारंभ करने से पहले मैं तीन बार भारत माता की जय का जयकारा बुलवाऊंगा और मेरी आपसे आग्रह है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से जयकारा बोलें ताकि सीमा पर जो हमारा जवान खड़ा है उसको भी लगे कि नोएडा उसके साथ है, हिंदुस्तान उसके साथ है। मैं तीन बार जयकारा बुलवाऊंगा, पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान महेश शर्मा जी और इस कार्यक्रम के साथ बिहार में बक्सर के लोग भी जुड़े हुए हैं और बक्सर में हमारे देश के ऊर्जा मंत्री श्रीमान आर के सिंह जी, बक्सर में उपस्थित हमारे मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी, विधायक श्री तेजपाल नागर जी, विधायक पंकज सिंह जी, बहन बिमला सोलंकी जी, धीरेन्द्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी और भारी संख्या में पधारे हुए ऊर्जावान भाई और बहनों, आपका जोश देखते ही बनता है। ये आपका उमंग, ये प्यार मेरी सर आंखों पर। नोएडा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप यहां मोदी मोदी कर रहे हैं और वहां कुछ लोगों की नींद हराम हो रही है। साथियों, वो भी कुछ दिन थे जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले नए नए खेल, जमीन आवंटन में होने वाले घोटालों की वजह से बनी। जब भी नोएडा की बात आती थी तो पहले ऐसी खबरें आया करती थी, ऐसा होता था कि नहीं? आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैं कह रहा हूं? ये सच्चाई है कि नहीं है? अब आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान
विकास और परियोजनाओं, रोजगार के नए अवसरों से है। मेरा देश, मेरा उत्तर प्रदेश वाकई बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, नोएडा आज मेक इन इंडिया के बड़े हब के तौर पर विकसित हो रहा है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन बनाने में दूसरे नंबर पर पहुंचा है, तो उसमें नोएडा की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ दो फैक्ट्रियां देश में थी और आज करीब करीब 125 फैक्ट्रियां देश में मोबाइल फोन बना रही। कहां दो और कहां 125। इसमें से बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हमारे इस नोएडा में है। मोबाइल के अलावा टीवी, फ्रिज जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की भी अनेक कंपनियां यहां पर है। इन सभी ने युवा साथियों के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर बनाए हैं। साथियों, आज मैं नोएडा में आप सभी के जीवन को आसान बनाने वाली परियोजना समर्पित करने के लिए आपके बीच मौजूद हूं। इसके साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार को रोशन करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी थोड़ी देर पहले शिलान्यास किया गया है। नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर तक चलने वाली मेट्रो के लिए मैं यहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां की कनेक्टिविटी को और सुधारने के लिए जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इससे जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं को तेज गति से पूरा किया जा रहा है और इससे नोएडा की एयर कनेक्टिविटी दूसरे शहरों से जुड़ जाएगी और अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा। मुझे आपको ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि अगले कुछ हफ्तों में उड़ान योजना के तहत अब बरेली से भी उड़ानें शुरू हो जाएगी। इसके लिए टर्मिनल बिल्डिंग व अन्य कार्यों को पूरा कर लिया गया है।
साथियों, उड़े देश का आम नागरिक इस लक्ष्य के साथ शुरू की गई उड़ान योजना के तहत अब तक 120 रूट को शुरू किया जा चुका है। इसकी वजह से अनेक टीयर टू और टीयर थ्री शहर भी पहली बार एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। इससे इन शहरों की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, उद्योगों के विकास के लिए बिजली का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। आज दो और बड़े पावर प्लांट का शिलान्यास यहां से किया गया है। एक प्लांट यूपी के ही बुलंदशहर के खुर्जा में लग रहा है और दूसरा बिहार के बक्सर में। खुर्जा वाले प्लांट पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा और बक्सर वाले थर्मल प्लांट पर करीब 10,000 करोड़ रुपए। बक्सर जैसे साथी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतनी ही भारी भीड़ मैं यहां टीवी स्क्रीन पर बक्सर के लोगों की भी देख रहा हूं। मैं यहां से दूर से उनको भी प्रणाम करता हूं और इस शुभ अवसर पर उनको भी बधाई देता हूं। बक्सर में बनने वाले थर्मल प्लांट 2015 में घोषित किए गए प्रधानमंत्री पैकेज और पूर्वी भारत को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का हमारे विजन का हिस्सा है। भाई और बहनों, जब ये दोनों प्लांट तैयार हो जाएंगे तो यूपी और बिहार को अधिक बिजली मिल पाएगी। खुर्जा के प्लांट से यूपी के साथ ही दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को भी बिजली मिलेगी। इसी तरह बक्सर के प्लांट से बिहार समेत पूर्वी भारत में बिजली सप्लाई सुधारने में मदद मिलेगी। इसका एक बड़ा लाभ ये भी होगा कि राज्य में लगने वाले उद्योगों को भी बिजली आवश्यकता के मुताबिक मिल पाएगी। उद्योग लगाने हैं तो बिजली उसकी पहली आवश्यकता होती है। साथियों, हमारी सरकार 21वीं सदी में देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। पहले की सरकारों ने इसे प्राथमिकता नहीं दी थी। देश में कैसे पावर सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, देश की ऊर्जा जरूरतों को नजरअंदाज किया गया, इसका एक उदाहरण कल ही कानपुर में मुझे दिखाई दिया। कल कानपुर में, यहां पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको इस बात बराबर समझ आएगी। कल कानपुर में पनकी पावर प्रोजेक्ट के विस्तार का काम आरंभ हुआ है। लेकिन साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि पनकी प्रोजेक्ट में 40-40, 50-50 साल पुरानी हो चुकी मशीनों से काम लिया जा रहा था। मशीनें हांफने लगी थी, कांग्रेस जैसा हाल था उस मशीनों का भी। नतीजा ये था कि जो बिजली वहां बन भी रही थी उसकी कीमत आ रही थी 10 रुपये प्रति यूनिट। आज जब हम
सौर ऊर्जा से 2 रुपये 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली की बात करते हैं तो सोचिए 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली पैदा करके किसका भला हो रहा था, लेकिन चल रहा था। साथियों, पहले की सरकारों के इसी रवैये ने देश के पावर सेक्टर को खस्ताहाल कर दिया था। देश के लोग वो दिन नहीं भूल सकते जब टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी कि पावर प्लांट्स में 1-2 दिन का ही कोयला बचा है। पावर सेक्टर की अव्यवस्था का ये वो दौर था जब ग्रिड फेल हो जाया करते थे, राज्य के राज अंधेरे में डूब जाते थे, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। देश के पावर सेक्टर को सुधारने के लिए इसलिए हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ, नई नीतियों के साथ काम किया। हमने 4 चीजों पर फोकस किया, 4 अलग अलग स्तरों पर काम किया, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, बिजली का उत्पादन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन की चाहे जितनी बातें कर ले जाए, घर घर बिजली नहीं पहुंची जा सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहले बिजली के प्रोडक्शन पर बढ़ाने पर जोर दिया। सौर ऊर्जा, पानी से बनने वाली ऊर्जा, कोयले से बनने वाली ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर, सभी से उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हुआ। जिस कोयले के आवंटन में देश में करोड़ों का घोटाला हुआ था, उसी कोयले की नीलामी के लिए हमारी सरकार ने देश को एक पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्था दी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते समय हमने 2022 तक 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी के उत्पादन क्षमता जोड़ने का लक्ष्य भी रखा। इस लक्ष्य पर चलते हुए अब तक 75 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता जोड़ी भी जा चुकी है। साथियों, सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया, जिसकी वजह से देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हमने वन नेशन वन ग्रिड का सपना पूरा किया है। और अब हम सौर ऊर्जा के माध्यम से, और सपना भाइयों बहनों, मैं कभी छोटे सपने देखता नहीं और छोटे काम करता नहीं। हमारा सपना है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, एक दुनिया एक सूरज एक व्यवस्था। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, और कभी न कभी यह साकार होने वाला है। साथियों, 1950 से लेकर 1950 से लेकर ये जरा सुनिए आप, ये आपको बहुत काम आएगा। जो मैं आंकड़े बोल रहा हूं, वो आंकड़ों की बड़ी ताकत है। ध्यान से सुनोगे, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। अगर इतना भी याद रखोगे ना, तो फिर आपको आगे के लिए कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। आंख बंद करके के सही निर्णय करोगे आप, बताओ, याद रखोगे। देखिए, 1950 से लेकर 2014 तक करीब करीब 65 वर्षों में लगभग 2.5 लाख मेगावाट की क्षमता विकसित की गई। कितने सालों में
65 साल में 2.5 लाख मेगावाट। और जब से आपने मुझे बिठाया है, साथियों आपको आश्चर्य होगा, कहां 65 साल और कहां 5 साल। पैंसठ साल में 2.5 लाख मेगावाट और पिछले मेरे आने के बाद 5 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, 5 साल में हमारी सरकार ने 1 लाख मेगावाट से अधिक कैपेसिटी तैयार की है। 65 साल में 2.5 लाख, 5 साल में 1 लाख। अब आप सोचिए।